कंकेव लेंस से, आपको ये भी याद रखना है, कंकेव लेंस. कंकेव लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया. अब आप सबको पता है कि जो कंकेव लेंस है ना, वो डाइवर्जिंग लेंस है. तो जब हम स्पेक्टेकल्स में कंकेव लेंस लगा के पहनते हैं तो ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा और फिर उसके बाद आई के लेंस से कन्वर्ज हो जाएंगी और इमेज जो है वो रटीना पे बनेगी. सो इस तरीके से ये काम करता है. सो करेक्शन के लिए डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है इसमें. उसके बाद लॉन्ग साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया. लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर की इमेज बन रही है, फार ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, जो पास की चीज है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं दिखाई दे रही है. तो इसका मतलब जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है, दूर हो गया है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया. अब इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो रटीना के पीछे बन रही है. देखो यहां बन रही है इमेज, हमें कहां बनानी है, यहां बनानी है इमेज. इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. जब हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो ये कन्वर्ज करेगा, फिर दोबारा कन्वर्ज होगा और इमेज जो है वो रटीना पे बन जाएगी. सो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज बाय कन्वेक्स लेंस एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया इज बाय कंकेव लेंस. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. कॉजेस क्या है कि जो लेंस है वो थिन हो गया है, उसमें क्या हुआ था, थिक हो गया था, इसमें थिन हो गया है. और जो जो ये लेंस के बीच में और रटीना के बीच में डिस्टेंस है वो नॉर्मलाइज से कम हो गया है. करेक्शन मैं आपको बता चुकी हूं कि कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं इसमें, उससे फोकल लेंथ जो है वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है. कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.